हेलो और इवन आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे सिलेबस क्लास ट्वेल्थ सी बी एस ई टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज रिसेंटली रिलीज द दा सिलेबस ऑफ क्लास ट्वेल्थ रिसेंटली उन्होंने रिलीज़ किया है क्लास ट्वेल्व का जो सिलेबस है हमारा टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री का इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमारे जो क्लास ट्वेल्व का सिलेबस इकोनॉमिक्स का वो तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है सबसे पहला हमारा पार्ट है इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकेंड पार्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड थर्ड पार्ट हमारा प्रोजेक्ट वर्क इन इकोनॉमिक्स इन पार्ट को कितने कितने चैप्टर्स जो हमारे कितने कितने चैप्टर्स इसके अंदर आएंगे और उनके कितने कितने मार्क्स होंगे वो सब इनके अंदर डिवाइड किया गया है मार्क्स मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हमारा नीचे दिया गया है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट हमारा टेन मार्क्स का है मनी एंड बैंकिंग हमारा मार्क्स का है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हमारा ट्वेल्व मार्क्स का है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमिक्स हमारा मार्क्स का है एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा सिक्स मार्क्स का है फोर्टी मार्क्स की हमारी हो गई मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट देन हमारा जो सेकंड पार्ट होगा वो कौन सा है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डेवलपमेंट एक्सपीरियस हमारा ट्वेल्व मार्क्स का है करंट चैलेंज फेसिंग इंडियन इकनॉमी हमारा ट्वेंटी मार्क्स का है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया ए

सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम वैल्यू एडिड और प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड इनकम मेथड, एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम ग्रोस नेशनल इनकम नेट नेशनल इनकम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एट ए मार्केट प्राइस एट ए फैक्टर कॉस्ट रियल कॉस्ट एंड नॉमिनल कॉस्ट एंड जी एंड वेलफेयर यूनिट सेकेंड के अंदर कौन से कौन से टॉपिक्स आएंगे यूनिट सेकंड है हमारी मनी एंड बैंकिंग ये जो टॉपिक्स हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन आते हैं मनी एंड बैंकिंग के अंदर कौन से कौन से हमारे टॉपिक्स आएंगे सबसे पहले मनी मीनिंग एंड फंक्शन सप्लाई ऑफ मनी करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक सिस्टम्स सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन बैंक ऑफ इशूज गवर्नमेंट बैंक बैंकर बैंक कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रो बैंक रेट एस आर आर एस एल आर रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट ओपन मार्केट ऑपरेशन And margin requirements. Next unit third determinations of income and employment 30 periods. Third unit ke topics: aggregate demand and its component, proportionate to consume and proportionate to save, short run, equilibrium output, investment multiplier and its mechanism, meaning of full employment and involuntary employments, problem of excess demand and deficient demand measures to correct them and change in the government spending tax and money supply. ये हमारी यूनिट थर्ड के टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है जो सिलेबस के अंदर हमारे दिए हुए हैं नेक्स्ट हमारी फोर्थ यूनिट है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोमी गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी के अंदर हमारे टॉपिक्स आएंगे गवर्नमेंट बजट मीनिंग ऑब्जेक्टिव एंड कंपोनेंट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिट्स रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिट्स क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस सरप्लस एंड डिफिशिट बजट मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डिफिसिट ये टॉपिक से यूनिट फोर के यूनिट फाइव हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट मीनिंग एंड कंपोनेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस एंड डिफिसट फॉरेन एक्सचेंज रेट मीनिंग ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल रेट्स एंड मैनेज फ्लोटिंग डिटरमिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन द फ्री मार्केट मेरिट एंड डिमेरिट एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड मैनेज क्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम ये हमारी फिफ्थ यूनिट थी देन हमारा पार्ट बी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसके अंदर हमारी यूनिट सिक्स है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस नाइनटीन नाइन वन अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल ऑफ फाइव ईयर प्लान्स मेन फीचर्स प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज एग्रीकल्चर्स एंड न्यू एग्रीकल्चर्स एंड इंडस्ट्रीज एंड द फॉर ट्रेड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस नाइनटीन नाइनटी वन फीचर्स एंड अप्रिशिएबल्स ऑफ लिबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन कॉन्सेप्टिमोनिटाइजेशन एंड जी एस टी दैन यूनिट सेवन है हमारी करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकनॉमी कौन से चैलेंजेस फेस करिए इंडियन हमारी Human capital formations, how peoples become resources, role of human capital in the economic development, growth of education sector in India, rural development, keys issues, credit and marketing, role of cooperative agriculture and diversifications, alternatives, forming, organic farming, employment, growth and change in the workforces, participation rate in the formal and informal sectors, and formal and policy policy. सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीनिंग इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिसोर्स एंड एनवॉर्मेंट इंक्लूडिंग ग्लोबल वार्मिंग ये हमारी यूनिट सेवन थी देन यूनिट एट है हमारी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया अ कंपैरिजन विद नेबर्स इंडिया एंड पाकिस्तान इंडिया एंड चाइना इश्यूज इकोनॉमिक ग्रोथ पॉपुलेशन सेक्टरिटली डेवलपमेंट एंड अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स देन नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसके अंदर इकोनॉमिक क्लास सिलेबस पेपर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हमारा किस टाइप से होगा रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग के हमारे होंगे फोर्टी फ़ाइव एंड परसेंटेज हो हमारी फिफ्टी फ़ाइव देन इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग हैबिट्स मेमोरी एंड जो हमारे दिए गए हैं एंड डेमोस्ट्रेशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट आइडिया इनके सब के फोटी फोर परसेंट होंगे ऑर्गेनाइजेशन कंपैरिजन ट्रांसलेटिंग इंटरप्रेटिंग जो भी चीज़ें हैं इसके अंदर गिविंग डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन एंड स्टार्टिंग मेन आइडियाज़ इनके फोटी फोर परसेंट होंगे अप्लाइंग सॉल्व एंड प्रॉब्लम्स इन न्यू सिचुएशन बाई अपलाइंग एक्वायर्ड नॉलेज फैक्ट्स टेक्निक्स इनके हमारे एटीन परसेंट होंगे एटी 80 मार्क्स मिलेंगे परसेंटेज होगी हमारी 22.5 परसेंट एंड एनालाइज इवेलशन एंड क्रिएटिंग एंड ब्रेक इंफॉर्मेशन इन टू पार्ट आइडेंटिफाई मोटिवेशन और कोजेज मेक्स इसके हमारे 80 होंगे 18 होंगे सॉरी एंड 22.5 परसेंट हमारी परसेंटेज होगी सेम चीज़ इसके अंदर बोली गई है

कंस्ट्रक्शन एंड आर्ग्यूमेंट्स डेमोस्ट्रेट द लर्निंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक थ्योरी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ फॉलो अप एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इन विच लर्नस हैव इंटरेस्ट डेवलप द कम्युनिकेशन स्किल्स टू आर्ग्योलॉजिकली लॉजिकली चीजों पर आर्ग्यू करो और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करें द एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क आर द लर्नर विल भी कंप्लीट ओनली वन प्रोजेक्ट एंड इन विच एकेडमिक सीजनस जो हमारी एकेडमिक सीजन होती है उसके अंदर उसको उसको एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट शुल भी प्रोजेक्ट के जो अपने वर्ड्स होंगे वो होंगे 35, 3, 4, हमारे थ्री फाइव थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फोर थाउजेंड तक वर्ड्स होने चाहिए हमारे पैंतीस तो चार हज़ार तक हमारे वर्ड्स होने चाहिए एंड इट विल बी एन इंडिपेंडेंट सेल्फ हमारा प्रोजेक्ट होना चाहिए ये टीचर का काम है जो आगे दिया हुआ है हमें वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है जो ऊपर चीज़ें चली गई वो हमारे काम की नहीं थी क्योंकि वो टीचर्स के लिए गाइडलाइन थी हमारे स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट क्या होगा चूज अ टाइटल एंड टॉपिक कलेक्शन ऑफ रिसर्च एंड मटेरियल डाटा ऑर्गेनाइज़ मटेरियल डाटा प्रेजेंट मटेरियल डाटा एनालाइज द मटेरियल डाटा एंड कंक्लूजन रिलीवेंट कंक्लूजन देना है उसका एंड प्रेजेंटेशन देनी है हमारी प्रोजेक्ट वर्क की जो भी हमने प्रोजेक्ट वर्क बनाया है उसकी प्रेजेंटेशन देनी है इसी के साथ हमारा जो टॉपिक था कि इकोनॉमिक का क्या सिलेबस है कैसा चेंज हुआ है वो सारे टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं किस टाइप का आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे कौन कौन से चैप्टर के कितने कितने मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं ये सारे टॉपिक आपको एमबीए एम के अंदर काम आएंगे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो के साथ थैंक यू फॉर